नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत डॉग ब्रीड है। मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा आपको इसके बारे में। जो हमारे पास डॉग ब्रीड है वो आपको हर टाइप के घर में रह सकता है, या आपके घर छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज हो, तो हर तरह के घर में आप उसको आराम से इजी टू मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज काफी कॉम्पैक्ट साइज होता है उसका, बहुत ज्यादा लार्ज ब्रीड में नहीं आता है, और ये टॉय ब्रीड होता है। तो घर में अगर इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको लेना है तो आसानी से आप इस डॉग को ले सकते हैं, और ये बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। तो अगर आपको ट्रेनिंग देने में परेशानी होती है तो इन डॉग को आप आराम से फिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ट्रेनिंग की कोई, अभी देखिए चिल्ला चिल्ला के परेशान कर रहा है। तो चलिए पहले आपको मैं इस डॉग ब्रीड से मिलाता हूँ, फिर उससे रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ एक भाई है हमारे, तो ये हमारे भाई है, छोटे भाई है हमारे, और इनका एड्रेस है अपना बिदुपुर, बिदुपुर हाजीपुर ना, बोला वही ना, हाजीपुर है ना। तो ये हाजीपुर है, तो आज हमारे से मिलने आए थे, और इनको भी पूछ ले, क्योंकि ये हमारे कस्टमर नहीं है, लेकिन इनसे पूछ ले भाई डॉग कैसा है, इनको लग रहा है, और हमारे जो कस्टमर है उनसे भी मिलाएंगे आपको, और बाकी बातचीत करें कैसा लग रहा है। बेहतरीन है, क्योंकि ये भी हमारे पास से बहुत सारे डॉग ले लिया है इन्होंने, और पाले भी हैं, जैसे जम्मू छपड़ लेकर गए थे हमारे पास से, है ना, बोला वही था ना, और कोई था फिर जम्मू छपड़। अच्छा, दो दो डॉग गया था, एक जबलपुर का, एक सिंगल कोट का। तो आप लोग इस वीडियो में आप जो बच्चा देख रहे हैं, ये आप बीगल की फीमेल है, और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, और इसके कलर और मार्किंग की मैं बात करूं, काफी खूबसूरत कलर है। आप ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक पैच है इसके बॉडी पे, और इसका टेल देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ये बीगल का पहचान है। और आप इसको फ्रंट से देखें तो फ्रंट पे भी आपको पूरा दोनों आईज पे आपको प्रॉपर मार्किंग दिखेगी, और इसके ईयर का साइज देखें, ये होता है बीगल का पहचान। और आप अगर कोई बीगल कह करके आपको कुछ भी डॉग ले रहे, एक बार आप उसके पहचान को देख लें, ये सब पहचानने का तरीका है। और आप इसके हेड पर कलर देख लें, ये हेड का कलर थोड़ा सा चेंज होता रहता है, कभी आपको ब्राउन ज्यादा दिखेगा, कभी ब्लैक ज्यादा दिखेगा, अकॉर्डिंग टू मदर फादर। बट ये बच्चे की क्वालिटी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मुझे इंतजार रहता है आप लोग के कमेंट का कि ये बच्चे की क्वालिटी कैसी है। चलिए आज हमारे साथ जो कस्टमर है उनसे मिलाते हैं। नमस्कार भैया, भैया आप लोग कहाँ से हैं? दानापुर गोला रोड। भैया नाम क्या है आपका? राकेश। और आपका भैया? बच्चा पकड़े तो हाथ मेरा आज पेट से नहीं पकड़ेंगे भैया, जब भी पकड़ेंगे तो बच्चे को चेस्ट से, क्योंकि पेट से पकड़ने में क्या होता है, खा पिया है डॉग दब जाएगा तो वोमिट कर। हेलो, तो भैया आज आया है दानापुर से, तो पहले जानते हैं कि इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो भैया मेरा नंबर आपने कहाँ से लिया? ऑनलाइन लिया, कहाँ से? इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, या गूगल से, कौन जगह है? अच्छा, गूगल पे आपने सर्च किया और जस्ट डायल पे हमारा नंबर। तो ये आप जस्ट डायल पे भी हमारा प्रोफाइल है, आप वहाँ पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो भैया आप डॉग जो लेने आए, कैसा लगा भैया इसका क्वालिटी? बढ़िया, बहुत क्वालिटी पसंद आया। तो भैया आप बीगल और कहीं देखा था आपने, या बस अभी यही देख रहे हैं? एक्चुअली हम लोग गए थे, कौन सा ब्रीड का? सोनपुर मेला तो नहीं गए थे? नहीं, कौन सा ब्रीड लेने का? क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे क्लाइंट सोनपुर मेला ग्रुप करा रहे हैं। लाता लासा एप्सो के लिए गए थे, हमारे पास था, हम किसी को दे दिए थे, वापस उसको लेने गए, लेकिन फिर वुड बड़ा होने की वजह से प्लस थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा मेंटेनेंस आप कह लीजिए ज्यादा होता है, अकॉर्डिंग टू बीगल पग इनमें मेंटेनेंस कम होता है, क्योंकि आपके हेयर कम है, अब हेयर के कारण आपको ग्रूमिंग की टेंशन नहीं है, आपको शेड इसका ज्यादा जाएगा तो पता नहीं चलेगा, और शेड सभी लोग के बाल जाते हैं, जाते हैं, आते हैं, कैसे कैसे इंटेलिजेंट डॉग है। बिल्कुल, बीगल आपका मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में बीगल भी शामिल है, और ये अपने घर में तो भी आराम से रख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अपने ओनर के साथ रहना पसंद करते हैं, अकेले में थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर आप इसको अकेले रखेंगे थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो तो कहकर चिड़चिड़ापन में सोफा फाड़ देगा, जूता फाड़ देगा, सब कुछ कर सकता है ये। तो ये बात है, तो चलिए इनसे खाने पीने की रिलेटेड बात करते हैं। भैया जैसे डॉग तो आप लोगों ने पहले पाला है या नहीं? पाले। आप लोग पहले डॉग पाल चुके, तो आपको तो खैर ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं,
फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं डॉग से रिलेटेड जो भी सवाल हो आपका। कुछ खास तो नहीं, बस इसको अंडा चिकन कब से शुरू करना है? आप अंडा दे सकते हैं, चिकन का सूप बना करके दे सकते हैं। अच्छा, अंडा आप एक वाइट देंगे कोई दिक्कत नहीं, एक वाइट आप दे सकते हैं और यॉर्क निकाल लेंगे उसका पीला वाला भाग वो निकाल देंगे। एग वाइट दे सकते हैं आप शाम के टाइम में 3 से 4 के बीच में आप ये दे सकते हैं सारा दूध। अरे फूड को दिन में 3 बार? हाँ 3 बार देंगे, सुबह आपने 7 बजे दे दिया, फिर आप 11-12 बजे के बीच में दे दीजिए, फिर 3-4 बजे आप स्नैक्स के रूप में अंडा छेना पनीर कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद फिर रात में आपने सुबह दिया वही सेम खा रहे रात में चले गए। दवा जो है वो सुबह खाना खाने के बाद देना है। अब क्या नहीं देना? अभी क्या क्या तेल नमक चीनी मसाला ये सब कुछ अवॉइड करना है। ऐसा जो भी खाना जो हम लोग डायरेक्ट बनाकर खाते हैं वो सब नहीं देना। बॉइल्ड आप करके सब कुछ दे सकते हैं, बॉइल्ड आप चावल दे सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल दे सकते हैं, बॉइल्ड चिकन दे सकते हैं, ये सारा कुछ दे सकते हैं। और आपका बच्चा बड़ा है काफी आराम से मेंटेन कर जाएगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा कम क्वांटिटी से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएंगे आप उसका। और कुछ भैया आप लोग का सवाल? चलिए तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब भैया से पूछते हैं इनका रिव्यू कि भाई हमारा कैनल इन्होंने घूमा और जो भी यहाँ पर देखा इन्होंने तो इनको कैसा है? पटना में डॉग्स मिलना भी क्या है, ऑनलाइन में बहुत जगह मिल जाता है, पहुँचा देंगे घर में ला कर दे देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रॉब्लम डॉग्स को होता है ना, वो सर आगे आप खरीद लिया आपने घर ले आए, घर लाने के बाद वो उस एटमॉस्फेयर को सर्वाइव करेगा या नहीं, या जो वो प्रॉब्लम रास्ते में झेल के आया एक दो दिन, तो उस हिसाब से अगर पटना में होते हैं अगर पटना से ही डॉग मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। प्लस हम यहाँ आए तो आपके पास क्वालिटी मजा आया, देखने में मजा आया, बहुत मजा आया। जो ब्रीड है आपके पास भैया, रेट रेट आपको जेन्युइन लगा? रेट बहुत जेन्युइन है, क्योंकि आगे आपने कई जगह कंपेयर भी किया होगा रेट को लेकर के, तो रेट के अकॉर्डिंग टू क्वालिटी मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए आपको हर तरह के ब्रीड आपको हर रेट में मिल जाते हैं, बट क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसका रेट हाई या लो होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यही समाप्त करते हैं भैया, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एक बार कह रहे हमारे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर कर ले और खरीदे जरूर डॉग्स रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉग्स आपको हर तरह के डिप्रेशन से बचाता है। सबसे आप आज की रोजमर्रा की लाइफ में जो आप स्ट्रेस लेते हैं, इसे स्ट्रेस का लेवल बिल्कुल से कम कर देता है। तो अगर आपके घर में डॉग है तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होने वाला है। चले आप हेल्दी रहे, आपके डॉग हेल्दी रहे। चलिए धन्यवाद।